Now, children, let's move on to chapter number 44, and the name is the Chandrayaan 3. The Chandrayaan Chronicles a quick review. तो जो चंद्रयान जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तो वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मूवमेंट था. सो यहाँ पे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स दिए गए उससे रिलेटेड, लेट्स रीड देम आउट. द थर्ड इंडियन लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन अंडर द चंद्रयान प्रोग्राम ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इज कॉल्ड चंद्रयान 3. सो ये जो चंद्रयान 3 था ये इंडिया का थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन था जिसे इसरो ने कामयाब बनाया था. लाइक द चंद्रयान 2 मिशन इट कंप्राइजेज अ लैंडर, जैसे कि चंद्रयान 2 में एक लैंडर था वैसे इसमें भी एक लैंडर था जिसका नाम था विक्रम एंड अ रोवर नेम्ड प्रज्ञान, और इसमें जो रोवर था उसका नाम प्रज्ञान था. इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर द लैंडर्स पावर डिसेंट, जिसे जो है लैंडर के पावर डिसेंट के लिए रखा गया था, द प्रोपल्शन मॉड्यूल सेंट द लैंडर एंड रोवर कॉम्बिनेशन इनटू लूनर ऑर्बिट. सो ये जो दोनों का जो कॉम्बिनेशन था प्रज्ञान और विक्रम का, इन दोनों को मिला के ये जो लैंडर और जो रोवर थे इन दोनों को मिला के लूनर मिशन पे भेजा गया था. ऑन जुलाई 14 जुलाई 2023 को जो चंद्रयान था उसे जो है ऑर्बिट में भेजा गया था. इंडिया बिकेम द फर्स्ट नेशन टू सक्सेसफुली लैंड अ स्पेसक्राफ्ट क्लोज टू द लूनर साउथ पोल. सो इंडिया वो पहला कंट्री है, ये पहला नेशन है जिसने अपना एक स्पेसक्राफ्ट जो है चांद के लूनर पार्ट में लूनर साउथ पोल में भेजा था. और ये कब पहुंचा? 23 अगस्त 2023 को 6:02 शाम को एंड द फोर्थ नेशन टू सॉफ्ट लैंड ऑन द मून विथ अ लैंडर एंड द रोवर. और इंडिया जो है वो चौथा कंट्री है जिसने एक सॉफ्ट लैंडिंग की मून के लैंडर और रोवर पे. द मैग्निफिशेंट मून्स मिस्ट्रीज, अब मून की क्या क्या मिस्ट्रीज हैं? अनरेवलिंग लूनर फॉर्मेशन. चंद्रयान 3 इज ऑन अ मिशन टू हेल्प साइंटिस्ट लर्न मोर अबाउट हाउ द मून इज फॉर्म्ड एंड व्हाट सीक्रेट्स इट होल्ड अबाउट द अर्ली डेज ऑफ आवर सोलर सिस्टम. तो ये जो चंद्रयान 3 है इसे एक मिशन पे भेजा हमारी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये जानने के लिए कि मून कैसे बना था एंड इसके अंदर क्या क्या सीक्रेट्स हैं, कैसे बना था या सोलर सिस्टम के बनने के क्या क्या सीक्रेट्स इसके पास हैं. इंडिया हैज़ प्रीवियसली कैरिड आउट सक्सेसफुल मून मिशन, इसके पहले भी इंडिया ने बहुत सारे सक्सेसफुल मून मिशंस किए थे. द वर्ल्ड वॉज अस्टॉनिश्ड बाय द रिजल्ट ऑफ चंद्रयान, और जो वर्ल्ड था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, एकदम हैरान हो गया था चंद्रयान के इस रिजल्ट से. इंडियाज फर्स्ट लूनर मिशन, और ये है इंडिया का पहला लूनर मिशन विच वॉज लॉन्च बाय इसरो इन 2008 एंड वॉज अ ह्यूज सक्सेस. तो ये इंडिया का फर्स्ट लूनर मिशन था जो 2008 में लॉन्च किया गया था, इसरो ने लॉन्च किया था और ये काफ़ी बड़ा सक्सेस बना. The moon surface was later found to contain water and molecules as a result of this expedition. So, इस expedition की वजह से ये पता चल पाया कि जो moon का surface है उस पर water contents, water molecules present हैं. As the moon does not have an atmosphere like our planet does. क्योंकि moon के पास कोई अपना खुद का atmosphere नहीं है जैसे हमारे planet के पास है, which means it does not have वेदर और एयर, ना तो यहाँ पे वेदर है ना ही एयर है. इट विल स्टडी द मून्स यूनिक सर्फेस, अब ये रोवर क्या करेगा? मून का जो यूनिक सर्फेस है उसे स्टडी करेगा. इट्स क्रेटर्स, इसके क्रेटर्स के बारे में पढ़ेगा, माउंटेन्स के बारे में पढ़ेगा और वैलीज के बारे में पढ़ेगा एंड अनकवर हाउ दिस फीचर्स विल क्रिएट व क्रिएट ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स. ये फीचर्स कैसे आए मून के पास हजारों करोड़ों साल
पहले। तो ये सारी चीज़ों को पता करने के लिए हमने ये चंद्रयान 3 भेजा। द टेक्नोलॉजी बिहाइंड चंद्रयान 3। अब चंद्रयान 3 के पीछे क्या टेक्नोलॉजी थी? द लूनर लैंडर वॉज असिस्टेड बाई द GSLV Mark 3। ये जो लूनर लैंडर था इसे किसने असिस्ट किया था, किसने से गाइड किया था? इसे गाइड किया था GSLV Mark 3 ने। ये एक हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, ऑल्सो रिफर टू एज द बाहुबली रॉकेट। इसे बाहुबली रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है। द करेंट नेम फॉर द GSLV इज लॉन्च व्हीकल Mark 3। और जो अभी का जो नाम रखा गया है इसका GSLV का, उसका नाम है लॉन्च व्हीकल Mark 3 LM 3, एंड इट इज 43.5 meter हाई। और ये जो है 43.5 meter ऊंचा है। ऑन August 23 द स्पेस क्राफ्ट लैंडेड ऑन द मून। August 23 पे को क्या हुआ, ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये मून पे लैंड हुआ। आफ्टर अ मोर देन 40 डेज की जर्नी कंप्लीट करने के बाद। इट हैज़ अ लैंडर, अ रोवर प्रज्ञान दैट वॉज कंपेरेबल टू चंद्रयान 2। इसमें एक लैंडर था, एक रोवर था प्रज्ञान, जिसे जो है चंद्रयान 2 से कंपेयर किया जाता था। बट नो ऑर्बिटर, लेकिन इसमें कोई भी ऑर्बिटर नहीं था। द क्राफ्ट कलेक्टिवली वेट्स 3,900 kg। ये जो क्राफ्ट था इसका वेट 3,900 kg का था। द प्रो पल्शन मॉड्यूल वेट्स 2,148 kg। और जो इसका प्रोपल्शन था उसका जो वजन था 2,148 kg का था। एंड द लैंडर एंड द रोवर वेट 1,752 kg। दिस टोटल वेट इज क्लोज टू द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द GSLV Mark 3। और ये जो टोटल वेट था ये GSLV Mark 3 के आसपास था। विच इज इंडियाज स्ट्रॉन्गेस्ट रॉकेट, जो कि इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रॉकेट है। चंद्रयान 3 कैरिड अ स्पेशल रोवर इक्विप्ड विथ कैमराज। चंद्रयान 3 जो था इसमें एक स्पेशल रोवर था जिसमें कैमराज लगे हुए थे। एंड इंस्ट्रूमेंट्स टू एक्सप्लोर द लूनर सर्फेस, और इंस्ट्रूमेंट लगे थे जो लूनर सर्फेस को एक्सप्लोर कर सकता था बहुत ही नज़दीक से। दिस रोवर विल सेंड बैक इमेजेस एंड डेटा अबाउट मून क्वेक्स। ये जो रोवर है ये मून क्वेक्स के बारे में क्या करेगा, डेटा इसको कलेक्ट करके हमें सेंड करेगा। हीट मूवमेंट्स को कैप्चर करेगा, प्लाज्मा एनवायरनमेंट को कैप्चर करेगा, एंड ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन को कैप्चर करेगा बिटवीन द मून एंड द प्लैनेट्स। दैट विल हेल्प साइंटिस्ट बेटर अंडरस्टैंड द मून्स कॉम्पोजिशन एंड हिस्ट्री, जिसकी वजह से जो साइंटिस्ट हैं मून का जो भी कॉम्पोजिशन है किस चीज़ से बना है और उसकी क्या हिस्ट्री है, इन सब को साइंटिस्ट बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे। चिल्ड्रन डू यू नो द लैंडर इज नेम्ड विक्रम इन ऑनर ऑफ द रिनाउंड इंडियन एस्ट्रोनॉमर। सो ये जो नाम है विक्रम ये एक इंडियन एस्ट्रोनॉमर है उनके नाम पे पड़ा हुआ है, एंड फिजिसिस्ट जिनका नाम है विक्रम साराभाई, तो इनके नाम पे इस लैंडर का नाम रखा गया। ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के क्या है, फाउंडर है, इन्होंने ही इसे स्टैब्लिश किया था। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द जर्नी ऑफ चंद्रयान 3 आफ्टर अ सीरीज ऑफ मैनूवर्स दैट प्लेस्ड चंद्रयान 3 इन द ट्रांसलूनर इंजेक्शन ऑर्बिट। क्योंकि जो बहुत सारे जो है क्या हुए थे, मैनूवर्स हुए थे चंद्रयान 3 के साथ, जो जिसकी वजह से ये जो ट्रांसलूनर इंजेक्शन था ऑर्बिट का, इसरो परफॉर्म्ड अ लूनर ऑर्बिट इंसर्शन। तो इसरो ने क्या किया, एक लूनर ऑर्बिट इंसर्शन प्लान किया, परफॉर्म किया ऑन 5th of August, सक्सेसफुली प्लेसिंग द चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट इन टू ऑर्बिट। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो चंद्रयान 3 जो स्पेस क्राफ्ट है इसे ऑर्बिट में, ये मून के ऑर्बिट में जा चुका था, अराउंड मून के पास पहुंच चुका था।
The LOI ऑपरेशन was carried out from the ISRO telemetry. और ये जो है ऑपरेशन ISRO के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क लोकेटेड इन बेंगलुरु यहाँ से ये परफॉर्म किया जा रहा था. ऑन 17th August द लैंडर सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोस्पिलिस मॉड्यूल टू बिगन द लास्ट फेज. तो जैसे ही 17 अगस्त आया 5 अगस्त को ये जो प्रोपल्सन मॉड्यूल था वो विक्रम लैंडर के साथ कनेक्टेड था. लेकिन जैसे ही 17th अगस्त आया विक्रम लैंडर अपने प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो चुका था. टू बिगेन द लास्ट फेज ऑफ द मिशन, मिशन के लास्ट दौर पे था इसलिए इन दोनों को यहाँ पे आके अलग होना पड़ा. एंड सक्सेसफुली लैंडेड क्लोज टू द लूनर साउथ पोल. और ये विक्रम लैंडर जाके लूनर साउथ पोल में मून के लैंड हो गया ऑन अगस्त 23, 2023. चंद्रयान 3 मिशन अनसंग हीरोज. तो कुछ ऐसे लोग जो इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में जिनका योगदान था उनके नाम यहाँ पे हैं. चंद्रयान 3 इज अ रिजल्ट ऑफ डेडिकेशन टीम वर्क एंड अ पैशन फॉर एक्सप्लोरिंग द अननोन. सो ये क्या है चंद्रयान 3 ऐसे नहीं बना, बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी, डेडिकेशन लगा, उनका टीम वर्क लगा और इस मिशन तक पहुंचने का उनकी चाह लगी. लाइकिंग असेंबलिंग अ गिगेंटिक स्पेस पजल विद सच ईच पीस प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द मिशन सक्सेसफुल. सो मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए जितने भी पार्ट्स अटैच किए गए चंद्रयान में वो सारे पार्ट्स एक स्पेशल रोल प्ले करते हैं और वो सारे पार्ट्स एज अ पजल वर्क कर रहे थे. इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ, इसरो के जो चेयरमैन थे एस सोमनाथ, उनका बहुत बड़ा रोल था इसमें. मिशन डायरेक्टर थे एस मोहन कुमार. एसोसिएट मिशन डायरेक्टर थे जी नारायण. प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे पी वीरा मुर्तविल. डेप्यूटी प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे कल्पना कालाहस्ती. व्हीकल डायरेक्टर थी बीजू सी थॉमस. तो ये सारे जो नेम्स हैं यहाँ पे लिखे हुए ये सारे क्या है, इन सब ने बहुत बड़ा योगदान दिया था इस चंद्रयान को बनाने में और उसके सक्सेसफुल होने में. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कंक्लूजन, अ कॉस्मिक जर्नी फॉर ऑल एजेस. तो चलिए अब चंद्रयान के कंक्लूजन तक आते हैं. चंद्रयान 3 इज मच मोर देन अ स्पेस क्राफ्ट. चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट से भी काफ़ी ज़्यादा है. इट इज़ अ टेस्टमेंट ऑफ टू ह्यूमन क्यूरियोसिटी. ह्यूमन क्यूरियोसिटी के लिए ये एक टेस्टमेंट है. परसिवरेंस है एंड द डिज़ायर टू एक्सप्लोर द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स. और ये क्या है, जो भी मिस्ट्रीज है यूनिवर्स की उन्हें जो है एक्सप्लोर करने के काम आएगा. As parents, you have the incredible opportunity to share this exciting journey with your kids. आप as a parents अपने बच्चों के साथ इस exciting journey को share कर सकते हैं. Sparking their interest in science. इन बच्चों को science की तरफ interest बना के. टेक्नोलॉजी एंड स्पेस, टेक्नोलॉजी और स्पेस की तरफ इनका इंटरेस्ट अगर जागेगा इन बच्चों का तो हमारी कंट्री के लिए और भी अच्छा होगा. इन फैक्ट यू कैन ऑल्सो लुक फॉर समर कैंप्स फॉर किड्स विच आर स्पेशली डिज़ाइन फॉर एस्ट्रोनॉमिकल करिकुलम. तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए ऐसा कुछ देख सकते हैं, ऐसे समर कैंप्स देख सकते हैं जहाँ पर बच्चों को ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल करिकुलम डिज़ाइन किए जाते हैं और वहाँ पर लेके जा सकते हैं आप. So gear up for an astronomical adventure that will leave your family starstruck. So आपको अपनी फैमिली को इस एस्ट्रोनॉमिकल एडवेंचर में लेके जाना है एंड उन्हें बताना है, उन्हें पढ़ाना है. You have to make them eager to learn more about the wondrous universe we call home. इस यूनिवर्स में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपको अपने बच्चों को सिखानी है. और वो कैसे होगा, आप इस जर्नी में उनका साथ देके ये कर सकते हैं.
सो चिल्ड्रेन आई होप आपने पढ़ लिया होगा कि हाउ चंद्रयान वॉज मेड एंड वॉट ऑल पीपल वर इंक्लूडेड इन इट्स सक्सेस.